दोस्तों, हमारी इस प्यारी सी धरती पर जंगल की तादाद कम नहीं है। भारत हो या चाइना हो या फिर अफ्रीका, सभी द्वीपों पर अलग अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। अब आप जो देख रहे हैं यह है कनाडा के जंगल, जहां खतरनाक जानवरों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में भी भले ही जानवरों की कई प्रजातियां देखने को मिलती है, लेकिन उनमें से खतरनाक केवल कुछ ही प्रजातियां होती है। वहीं इसके विपरीत बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट की, तो यह जंगल अपने आप में स्पीशीज का खजाना है। यहाँ ऐसे अनगिनत प्रजातियाँ रहती हैं जिनका अस्तित्व अभी भी दुनिया से छुपा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंगल में छोटे जीव से लेकर विशालकाय जानवरों तक सभी बेहद ही खुखार है। इनमें से फीचर्स विकसित है जो इन्हें बाकी जानवरों से अपडेटेड और खतरनाक बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा से अमेजोन ऐसे टॉप जानवरों को प्रोड्यूस करने में सफल रहा है, जो केवल इसी जंगल में सरवाइव करने के लायक है। उन्हें धरती के बाकी कोनों में बसाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर एनाकोंडा जैसे विशालकाय दानव हमें अमेजोन के जंगलों में ही देखने को मिलेंगे। 60 मिलियन साल पहले भी अमेजोन के जंगलों में ऐसे ही खतरनाक जीव थे जो पूरे अर्थ को डोमिनेट करने की क्षमता रखते थे। ऐसे में सवाल आता है कि अमेजोन के जंगलों में ऐसा क्या खास और अनोखा है जो यहाँ पनपने वाले जानवरों को एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों से ज्यादा खूंखार, शातिर और खौफनाक बनाता है। तो आइए जानते हैं। अमेज़न पृथ्वी की खौफनाक स्पीशीज का घर है। यह आज से नहीं, लगभग 60 मिलियन साल पहले से ही यह जगह एनिमल किंगडम में एक खास जगह रखती है। अमेज़न का नाम लेते ही एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ जैसे जीवों का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि यह दोनों ही दुनिया के सबसे विशालकाय जीवों में से एक रहे हैं। आज के एनाकोंडा में इतनी ताकत है कि एक एलिगेटर को भी निगल सकते हैं। कई मौकों पर वह गाय भैंस के बच्चों को भी निगलते हुए पाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आकार में 40 फीट तक बढ़ने वाले इस जीव के लिए बड़े जानवरों को पचाना कौन सी बड़ी बात है। खैर, अमेज़न के जंगलों में आज भले ही एनाकोंडा का राज है, लेकिन मिलियन साल पहले हमें इसके बदले टाइटेनोबोआ धरती पर देखने को मिलते थे, जो 10 मीटर लंबे और 1 से 2 टन वजनीय होते थे। आज के एनाकोंडा से यह आकार में 5 गुना ज्यादा बड़े थे। अब जरा सोचिए कि इतने बड़े आकार का दानव उस समय क्या कुछ करने की शक्ति रखता होगा। एक तरफ बहुत सारी प्रजातियां धरती से गायब हो रही थी, वहीं तापमान में गर्मी आने की वजह से अमेज़न के जंगलों ने इस जानवर को प्रोड्यूस किया। देखा जाए तो टाइटेनोबोआ कभी भी एक तरह का भोजन नहीं खाते थे। अमेज़न के जंगल में रहने के नाते इनके पास फूड को लेकर काफी वेराइटीज थी। एंशियन टर्टल से लेकर मगरमच्छ के एंसेस्टर और बाकी विशाल रेप्टाइल्स तक हर तरह के जीवों को निगलने की कला इनके पास मौजूद थी। पुराने शख्स बताते हैं कि टाइटेनोबोआ मछलियों तक को भी अपना शिकार बनाना जानते थे। जरा सोचिएगा, इसे अपनी भूख मिटाने के लिए कितनी सारी मछलियों को खाना पड़ता होगा। पर यही सच है, यह जीव आकार में इसलिए भी बढ़ता चला गया क्योंकि उस वक्त स्ट्राइड के चलते पृथ्वी के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हालांकि आज टाइटेनोबोआ नहीं है, लेकिन अमेज़न में घातक जीवों के रहने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, आज भी ऐसी कई प्रजातियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं। साइंस की नजर से देखें तो दुनिया में हर 10 में से एक प्रजाति ऐसी है जो विशेष रूप से रेन फॉरेस्ट में ही रहती है। यह जगह केवल जानवर ही नहीं बल्कि अनगिनत पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और फिश के लिए उनका घर है। अमेज़न में केवल जानवर ही खतरनाक नहीं होते बल्कि पेड़ पौधे भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न में पाए जाने वाले क्लाइमेट की वजह से भी प्रजातियों में डाइवर्सिटीज होती है। ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहना पसंद करती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसी भी स्पीशीज के रहने के लिए सबसे कंफर्टेबल होता है। अगर हम सोच कर देखें कि अगर यह अमेज़न का जंगल नहीं होता तो हमारा क्या होता, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। अमेज़न के जंगलों पर और भी डॉक्यूमेंट्री अगर आप पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिखिएगा। और ऐसा ही कंटेंट अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे चैनल द्वारा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।